नमस्कार, स्वागत है आपका यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये एक पिक्चर आ रही है कुछ दिनों में, इसका ट्रेलर आया है। ट्रेलर मैंने देखा अभी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आदित्य धर का जो डायरेक्शन है, मैं उसे 10/10 नंबर देता हूँ। इसलिए क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो आमतौर पर जो है आपको वॉर फिल्मों में या इस तरह के आर्मी बेस्ड फिल्मों में देखने नहीं मिलता है। उन्होंने कहीं भी एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने की कोशिश नहीं की है। बहुत बढ़िया पिक्चराइजेशन है। मुझे तो ऐसा लगा देख करके कि इतना नेचुरल वॉर मूवी को बनाना बिना जो है एम्बियंस क्रिएट किए हुए, एक नया तरह का जो है माहौल वो है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी जो है एक अच्छे घर में रह रहा है तो रह रहा है। अगर माहौल जो है कश्मीर का इस किस्म का है कि वहां पर वादियों में जो है हरियाली है तो है। क्या जरूरत है बार बार जो है बर्फ दिखलाने की? क्या जरूरत है बार बार ये दिखलाने की कि एक बैरन किस्म का लैंड है? जहां है जिस तरह का माहौल उस तरह का है, अलग से एम्बियंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे फिल्म में एक्टिंग अच्छी लगी। विकी कौशल की जो एक्टिंग है, परेश रावल ने जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की है, यामी का भी जो एक सीन देखने के लिए मिला, कीर्ति, मोहित राणे, सभी जो है बहुत अच्छे जो है अपने जगह पर लग रहे हैं। मुझे इस फिल्म से न जाने क्यों बहुत ज़्यादा आशाएं बन गई हैं, क्योंकि ये वो जो अभी हाल फिलहाल में फिल्में बन रही थी ना, तमाम ये अयारी और न जाने क्या क्या, ये तमाम फिल्में जो एक अलग तरह के स्टाइलाइज आर्मी को दिखा रही है, ये वो स्टाइलाइज आर्मी नहीं है, ये नॉर्मल आर्मी। और यहाँ पर आपको जो देखने मिल रहा है बहुत अच्छा, बहुत मेरे ख्याल से एक कमर्शियलाइज्ड चीज़ देखने मिल रही है आपको। फिल्म कमर्शियल है, इंटरटेनर है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि सब्जेक्ट इमोशनल है, 2016 का जो यूरी का अटैक था उसके ऊपर जो है बेस्ड है ये, तो इमोशनल सब्जेक्ट को, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपका खून उबाल मार रहा हो, वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं। और विकी कौशल का जो कि परफॉर्मेंस है, मज़ा आ गया देख करके। बहुत नेचुरल परफॉर्म कर रहे हैं वो, कोई उन्होंने स्टाइलाइज करने की कोशिश नहीं की अपने आप को, कोई बहुत ज़्यादा जो है पुट ऑन नहीं किया है अपने आप को। एक बहुत नॉर्मल तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, एक बहुत नॉर्मल तरीके से जो है गेटअप है उनका। बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए तो एक्स्ट्रा एग्रेशन नहीं है जो आमतौर पर आपको दिखाई देता है अन्य एक्टरों के बीच में, कि जब वो आर्मी वाला रोल कर रहे हैं तो यानी कहें मुट्ठी भींच करके एक अजीब किस्म का। नहीं, गुस्सा है लेकिन गुस्सा फिजिकल नहीं है, गुस्सा शब्दों में है, गुस्सा जो है टोन में है, बॉडी में कोई फालतू का जो है एग्रेशन नहीं दिखाया है, जो बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रेंड है, रिस्ट्रेंड है, और बहुत ही क्या कहा जाए, नपा तुला अभी तक देखने के लिए मिला है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कि खत का लिफाफा देखकर खत के मजमू को जो है भाप लूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक ट्रेलर और एक फिल्म के बीच में बहुत फ़र्क होता है। इन दोनों के बीच में कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, फिल्म बहुत ख़राब होती है, ट्रेलर बहुत ख़राब होता है, फिल्म बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा आपको कि ये फिल्म कैसी होगी, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि ट्रेलर कैसा है। ट्रेलर धांसू है। मैं ट्रेलर को 5 में से 4 अंक या 4.5 अंक भी देने के लिए तैयार हूं। देखते हैं इसके आगे इस फिल्म के बारे में और जब हमें सीन्स देखने मिलेंगे, हो सकता है कुछ एक बैकग्राउंड सॉन्ग्स भी हों इसमें, वो जब देखने मिलेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा और शॉर्ट्स रशेस के साथ कि किस तरह की ये फिल्म शेप अप कर रही है। लेकिन अभी मैं ट्रेलर को बोलूंगा बहुत अच्छा ट्रेलर है। मैं आपसे मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल मत चेंज कीजिएगा।